कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क अहम भूमिका निभा रहे हैं और इसी के चलते हमीरपुर जिला की बजूरी पंचायत के महिला मंडलों के द्वारा सराहनीय काम करते हुए 5000 मास्क बनाने का लक्ष्य लिया है। इसी के चलते मास्क बनाने के बाद पंचायत के घर घर जाकर मास्क को बांटा भी जा रहा है। बारल गांव में पंचायत प्रधान बलवंत दीवान की अगुवाई में महिलाओं ने आज भी मास्क को वितरित किया। बजूरी पंचायत प्रधान बलवंत दीवान ने बताया कि वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस जैसे जैसे भारत में अपने पांव पसार रही है, वैसे वैसे लोगों के मन में डर भी बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते बजूरी पंचायत के सभी बाशिंदों, जिसमें 5 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों को ग्रामवासियों के सहयोग से फ्री में मास्क बांटे जा रहे हैं और पंचायत की महिला मंडलों ने 5000 मास्क बनाने का लक्ष्य भी तय किया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासन को आदेश दिए, हमें आदेश दिए, हमने उनका भरपूर कहना माना और उसी तरीके से हमने काम किया। पिछले हफ्ते हमने पूरी पंचायत को सैनिटाइज कर दिया। फिर जब हम सैनिटाइज कर रहे थे तो हमने देखा कि लोगों के पास मास्क नहीं है। फिर उसके बाद हमने एक समाज सेवी के पास गए, उसने हमें 16000 रुपये का चेक दिया। बाकी कुछ गाँव वासियों ने पैसे इकट्ठे करके हमें दिए। फिर हमने महिला मंडल का सहयोग लिया और इन्होंने 5000, लगभग 5000 का उद्देश्य है, जो ये लोग 5-6 महिला मंडल हैं, दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक लड़की है हमारी इधर सुमन, जो कि कमेटी एरिया में रहती है, लेकिन वो पंचायत का साथ दे रही है। उसके बाद तो सीधा जुर्माना, हमने अपने वार्ड मेंबर को एक अलग सी कमेटी बनाई है, जो भी नहीं डालेगा वो जुर्माना, चाहे मेरा अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे प्रवासी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इस पर नजर कौन रखेगा? ये मैंने एक टीम बनाई है लोकल, 7 वार्डों में 7 टीमें बनाई हैं। बाकी वार्ड मेंबर को ड्यूटी दी है, महिला मंडल को भी ऑर्डर दिए हैं, साथ में आशा वर्कर को भी आदेश दे दिए हैं। महिला मंडल प्रधान कैलाशो देवी ने बताया कि पंचायत प्रधान के द्वारा मास्क बनाने के लिए कहने के बाद ही महिलाएं मास्क बनाने में जुटी हुई हैं और 5000 का लक्ष्य लेकर चली हुई हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत के हर बाशिंदे के मुंह पर मास्क लगाने के लिए घर घर जाकर मास्क को बांटने का काम भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस के ऊपर जो दुनिया में इतना फैलाव, इतना मुहिम चली हुई है, मुहिम क्या आदमियों का खात्मे की बात है, तुम्हारे मतलब समाज में और दुनिया में इतनी कुरीति फैली हुई है कि आदमी नहीं तो समाज नहीं, तो इसके ऊपर हमारे प्रधान जी ने एक संदेश दिया, हमें जागरूक किया कि मास्क की बताया इन्होंने कि मास्क हमारे ऐसे नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, तो उसकी कमी के अनुसार हमने भी अपने महिला मंडल बारल से सुझाव दिया कि प्रधान जी आप हमें कपड़े का प्रबंध करो और हम इसको तैयार करके आपको देते हैं। तो काम हमारी पंचायत में, फिर हमने महिला मंडल में अपने सदस्यों को सूचित किया तो इन्होंने मान लिया कि हम ये काम करेंगे। जब इतना दुनिया में काम हो रहा है, प्रधान जी हमारे साथ चले हैं, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधान जी हमारा साथ एक बाप के समान दे रहा है, तो क्यों नहीं हम अपने प्रधान का अपनी पंचायत का सुधार करें। तो पंचायत का हमारा ये देखो जी 12 गांव हैं और 12 गांव में 4500 आदमी के करीब है, 200 घर जो हमारे प्रवासी हैं उसमें 1000-1200 जो है उसके आदमी हैं, तो हम उनको भी उसके साथ देंगे तो 5000 का हमारा लक्ष्य है और हम बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेंगे और हम आगे भी ये 500 का बना के दे दिया हमने मिलके सारी महिलाओं ने। ज़्यादातर हमारे वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, पिंकी देवी उसने बहुत सहयोग दिया, साथ में नगर परिषद से हमारी सुमना कुमारी है, ये बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है कि समाज सेवा कर रही है अपने घर को। और देखो हम मास्क जो तैयार कर रहे हैं वो हम 1 मीटर की दूरी पर बैठ कर काम कर रहे हैं, मास्क तैयार कर रहे हैं। मैं इन महिलाओं का, अपने सदस्यों का प्रधान होने के नाते इन्होंने मेरा इतना स्वीकार किया और इन्होंने दिन रात करके काम किया, अच्छा काम कर रही है, मेरी साथ लेडीज हैं, एक्टिव हैं और वो साथ दे रही हैं और अच्छे ढंग से इन्होंने मास्क तैयार करके 3 दिन में 500 का टारगेट दिया 3 दिन में, तो ये 7-14 लेडीज हैं मिलके काम कर रहे हैं। वहीं सुमन ने बताया कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए मास्क बहुत ही जरूरी है,
इसलिए सावधानी बरतने के साथ साथ कोरोना से भी बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि महिलाएं मास्क बनाने में पूरा सहयोग दे रही हैं ताकि कोरोना बीमारी को दूर भगाया जा सके। का कारण तो वैसे तो सारी दुनिया में पता ही है, कोरोना वायरस जैसी महामारी चली हुई है, उससे बचाव के लिए ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी पड़ेंगी और जो जरूरी है हमारी सेहत के लिए। ये सरकार के लिए नहीं है, ये हम आम आदमियों के लिए ही है। जितना हम इसके लिए अपनी सावधानियां बरतेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। और हम मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस पंचायत बजूरी पंचायत का कि उन्होंने मुझे शामिल किया, क्योंकि मैं म्युनिसिपल एरिया की रहने वाली हूं, मेरा नाम सुमन है। तो इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इसमें सहयोग दे सकूं और ये दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है इसमें आम लोगों की सहायता कर सकूं और जो गरीब परिवार हैं उनको ये चीज़ मुहैया करवाई जा सके। ये टारगेट लेके चली हुई है कि मैक्सिमम हमें 5,000 तक हमने टारगेट रखा हुआ है और 2-3 दिन में हमने 500 550 के करीब हमने तैयार कर लिया हुआ है।